कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिले में कोविड वैक्सीनेशन की रफ्तार काफी तेज कर दी गई है। वर्तमान में सभी पंचायत भवन में 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीका दिया जा रहा है और 1 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को कोविड का टीका दिया जाएगा। लेकिन कोविड टीके को लेकर लोगों में जो भ्रांतियां फैली हैं उस पर लोग क्या कहते हैं, देखिए संवाददाता पूजा की स्पेशल रिपोर्ट। हम लोग आए हैं एक गांव में और यहाँ पे कुछ महिलाएं हमें मिली हैं बातचीत करते हुए आपस में। इनसे जानना चाहेंगे हम कि ये वैक्सीनेशन के बारे में क्या सोचते हैं। अब अपना नाम बताएं। मीनाक्षी कुमारी देवी। क्या लग रहा है आपको, वैक्सीनेशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? लेने से तो हम लोग नहीं डरते हैं, लेकिन गाँव में जो बूढ़ा सब जो लिया है तो वो सब जो है ना बीमार पड़ रहा है, इसीलिए हम लोग भी नहीं ले रहे हैं। अच्छा, तो अभी अगला वैक्सीनेशन जो है वो युवाओं को लगेगा, 18 प्लस के लोगों को, और अभी 45 प्लस के लोगों को लग रहा है। तो वो आपके गाँव में कितना वैक्सीनेशन हुआ होगा, ज़्यादातर लोगों ने ले लिया? नहीं, बहुत कम दिया है। बहुत कम लोगों ने लिया है? हाँ, वही डर से कि हम लोग लेंगे फिर हम लोग भी बीमार पड़ जाएंगे। तो कुछ लोग बोलते हैं कि दवाई जो दे रहा है बढ़िया से ठीक से नहीं दे रहा है, कोई दूसरा बदल दे रहा है, इसी तरह से हो रहा है। दूसरी खबर गुड्डा की है, जहां कोरोना के दूसरी लहर के बढ़ते प्रकोप के कारण गुड्डा में लगातार मजदूरों का पलायन जारी है। इस बीच जिला प्रशासन द्वारा इन लोगों को ना कोविड टेस्ट किया जा रहा है और ना ही कोई रोक टोक किया जा रहा है। स्क्रीन पर नजर आ रही ये तस्वीरें पड़ैया हाट की हैं, जो बंगाल से चलकर गुड्डा आ गई और कोविड टेस्ट के नाम पर प्रशासन अब भी मौन है। तीसरी खबर में आपको बता दें कि गुड्डा जिला प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रही है कि किसी के पास ऑक्सीजन सिलेंडर है तो जल्द से जल्द सिविल सर्जन कार्यालय में जमा करें। गुड्डा जिला प्रशासन माइकिंग के जरिए पूरे शहर के लोगों से अपील कर रही है कि बढ़ते कोविड केसेस को देखते हुए जिले वासियों से अपील है कि जिनके पास भी घरों में ऑक्सीजन सिलेंडर है उसे जल्द से जल्द सिविल सर्जन कार्यालय में जमा करा दो, अन्यथा कार्रवाई की जा सकती है। अगली खबर गुड्डा के दुबराजपुर गांव से आ रही है, जहां आज बांस के बीटे में आग लग गई। आग कल से ही लगी थी, ग्रामीण लगातार प्रयास कर रहे थे कि किसी तरह से आग पर काबू हो जाएगा, पर जब आज ग्रामीणों से आग पर काबू नहीं हो पाया तो फिर फायर ब्रिगेड को फोन कर बुलाया गया। लोगों में डर था कि कहीं ये आग गाँव तक ना पहुँच जाए। हालांकि इस आग से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, समय रहते एफआईआर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। और अंत में आपको बता दें कि आज लॉकडाउन के तीसरे दिन भी जिला प्रशासन सड़कों पर मुस्तैद दिखी, जहां गुड्डा के महागामा में आज महागामा एसडीओ जितेंद्र कुमार देव एवं एसडीपीओ शिव शंकर तिवारी के नेतृत्व में सुरक्षा बलों के साथ शाम 6 बजे से 8 बजे तक महागामा बसवा चौक में मास्क एवं हेलमेट चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें दर्जनों की संख्या में लोग बिना हेलमेट एवं मास्क के पकड़े गए, जिनका चालान काटा गया और उन्हें सख्त हिदायत देकर छोड़ा गया।